सो इंश्योरेंस बेसिकली क्या है? सेफ्टी नेट है, ताकि कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है तो आपकी सेविंग्स में से आपको नहीं निकालना पड़े, जो आप इतने सालों से सेव कर रहे हैं पैसा, उसमें से नहीं निकालना पड़े। तो एक सेफ्टी नेट बना रहे हैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो इंश्योरेंस ले तो लिया, बट आप हमेशा पढ़ते हैं इंश्योरेंस में कि इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ। इसका क्या मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने खोल के रखेगी, चाहे वो पॉलिसी वर्डिंग है, ब्रोशर है। आपकी भी जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सब कुछ इंश्योरेंस कंपनी को बता के चले, मटेरियल फैक्ट बता के चले। और आज हम वीडियो में बात करेंगे कि मटेरियल फैक्ट्स होते क्या हैं, इसके एग्जांपल क्या हैं, क्या क्या मटेरियल फैक्ट काउंट होता है, और डिस्क्लोजर्स नहीं आप देते हैं, प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं देते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, सबसे बड़े रीजन क्या है जिसकी वजह से लोग डिस्क्लोजर्स प्रॉपर नहीं देते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और लास्ट में मैं कंक्लूजन दूंगी। पहला पॉइंट, मटेरियल फैक्ट। मटेरियल फैक्ट वो सब कुछ है, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे आपकी पॉलिसी का डिसीजन आएगा। मटेरियल फैक्ट से अंडरराइटर आपकी पॉलिसी को असेस करते हैं। अंडरराइटर देखते हैं कि आपको पॉलिसी मिल सकती है, नहीं मिल सकती, एक्सेप्ट होगी, डिक्लाइन होगी, या कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दी जाएगी, या आपका प्रीमियम बढ़ा दिया जाएगा, या टर्म्स एंड कंडीशंस रिवाइज कर दी जाएगी। तो अंडरराइटर आपके जो मटेरियल फैक्ट्स के बेसिस पे अपनी पॉलिसी का डिसीजन देते हैं। सो मटेरियल फैक्ट क्या होता है? आपकी एज, आप कहाँ रहते हैं, आपका ऑक्यूपेशन, आपकी इनकम, आप स्मोकर हैं, ड्रिंकर हैं तो वो भी पता लगेगा, उससे भी डिसाइड होगा कि पॉलिसी का डिसीजन क्या आएगा, वो मटेरियल फैक्ट है। आपकी पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री, आपकी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री, ये मटेरियल फैक्ट है। आपकी हॉबीज, कि आप एडवेंचर स्पोर्ट ज़्यादा तो नहीं करते, कुछ ऐसी बाजीगर वाली चीज़ें तो नहीं करते, खतरों के खिलाड़ी तो नहीं हैं, या आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई आपका पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हैं कि नहीं है, वो भी डिसाइड करेगा, वो भी एक मटेरियल फैक्ट है। और मटेरियल फैक्ट होता है आपका प्रीवियस कोई क्लेम रिकॉर्ड, आपकी प्रीवियस कोई पॉलिसी, आपकी पहले कभी कोई पॉलिसी डिक्लाइन हुई हो, पोस्टपोन हुई हो, तो वो भी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जो हमें इंश्योरेंस कंपनी को बतानी जरूरी है। उसके साथ साथ आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट में कोई भी ट्रीटमेंट हुआ हो, किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट हुआ हो, वो मटेरियल फैक्ट है। आप कोई मेडिसिन लेते हैं, लाइफस्टाइल मेडिसिन लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, या आपने पहले कभी लिया हो और ट्रीटमेंट हो गया है, कंप्लीट हो गया है, वो भी एक मेडिकल हिस्ट्री है, वो भी मटेरियल फैक्ट है। आपकी कोई पास्ट में सर्जरी हुई हो, चाहे वो 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले हुई हो, वो भी एक मटेरियल फैक्ट है, वो भी इंश्योरेंस कंपनी को बताना जरूरी है। तो ये सारे जो मटेरियल फैक्ट है इसके बेसिस पे पॉलिसी पे आपका डिसीजन आता है। अंडरराइटर कलेक्टिवली सारे मटेरियल फैक्ट्स को देख के आपकी पॉलिसी पे डिसीजन देते हैं कि पॉलिसी एक्सेप्ट होगी, डिक्लाइन होगी, प्रीमियम इंक्रीज होगा, या टर्म्स एंड कंडीशंस या वेटिंग पीरियड्स बढ़ जाएगा। सो इंश्योरर हमेशा हेविली रिलाई करते हैं पॉलिसी होल्डर्स पे कि आप सही इन्फॉर्मेशन देंगे, आप मटेरियल फैक्ट उनको सही से देंगे, ताकि आपको फ्यूचर में चल के पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम ना आए। हर जगह हम बात करते हैं इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दो पार्टीज के बीच में, इंश्योरेंस कंपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है आपको, पॉलिसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन सारी दे रही है, एनुअल रिपोर्ट्स IRDA पब्लिश कर रहा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी की आपके पास है। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास देने का क्या जरिया, आप खुद बताएंगे। आप जो डिस्क्लोज कर रहे हैं तो उसी के ऊपर वो रिलाई करके आपकी पॉलिसी का डिसीजन देते हैं और पॉलिसी एक्सेप्ट या डिक्लाइन की जाती है। अब हमने बात कर ली कि ये मटेरियल फैक्ट्स हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि अगर आप ये मटेरियल फैक्ट्स नहीं बताते हैं, नॉन डिस्क्लोजर होता है, तो आपकी पॉलिसी पे इंपैक्ट क्या आता है। सबसे पहली बात, क्लेम नहीं मिलेगा। आप किस चीज़ के लिए पॉलिसी ले रहे हैं? आपने सेफ्टी नेट बनाया अपनी फैमिली के लिए, आपने ये सोचा कि मेरे को अपनी सेविंग्स में से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हुई तो मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे काम आएगी, मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें उनको सही नहीं बताई थी, या इनकम्प्लीट बताई थी, या गलत बताई थी, तो उसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आपकी पॉलिसी भी टर्मिनेट की जा सकती है। आपका पर्पस था कि फैमिली को सेफ्टी नेट देना है, यहाँ पे क्या हुआ, बिना कवर के रहेंगे और फ्यूचर में कहीं पॉलिसी अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि कभी आपकी कोई पॉलिसी डिक्लाइन हुई है या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो वो फ्यूचर में हो सकता है पॉलिसी ना भी मिले। तो इसलिए मटेरियल फैक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, डिस्क्लोजर्स देने में बहुत ज़्यादा फोकस करें, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के फीचर्स पे तो फोकस करें, कौन सी पॉलिसी अच्छी है कौन सी नहीं है, बट उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से फोकस करना चाहिए आपको डिस्क्लोजर देने पे। अब मैं तीसरे टॉपिक पे बात करूंगी कि नॉन डिस्क्लोजर्स होते क्यों हैं, इसके क्या कारण है जिसकी वजह से पॉलिसी होल्डर्स नॉन डिस्क्लोजर्स करते हैं। सबसे पहला, लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस नहीं है कि क्या मटेरियल फैक्ट हो सकता है, क्या मटेरियल फैक्ट नहीं हो सकता। कई बार ऐसा लगता है कि इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतनी रेलिवेंट नहीं है, पॉलिसी में बताना जरूरी नहीं है, बट ऐसा नहीं है। छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट और मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है। इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको जितना भी पता है सब कुछ बताइए। फ्यूचर में इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं बोल सकती कि आपने नहीं बताया इसलिए हम क्लेम नहीं दे रहे। तो अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं, अपने हिसाब से जो भी आपको पता है, टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, बचपन से लेकर अब तक लिख लें एक बारी। देखिए, हम जब
मैं यहाँ पे बोलूंगी, जब हम पॉलिसी में रिसर्च इतनी सारी करते हैं, बहुत सालों तक मैं लोगों से अभी भी बात करती हूँ जो दो दो तीन तीन साल से पॉलिसी पे रिसर्च कर रहे हैं, अभी तक पॉलिसी ली नहीं है, ये बढ़िया पॉलिसी है, इसके ये फीचर्स हैं, ये 10x है, ये 5x है एंड सो ऑन, तो इससे अच्छी कोई आ सकती है नहीं आ सकती है, तो मतलब आप पॉलिसी पे रिसर्च कर रहे हो विच इज गुड, बट आपको टाइम देना चाहिए अपनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने पे। हमने एक पीछे वीडियो बनाई थी कि आपको प्रपोजल फॉर्म भरना कैसे चाहिए, उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगी। इनफैक्ट हमने उसमें एक मेडिकल क्वेश्चनेयर भी लगाया था, आप वो भी यूज कर सकते हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस हमने कवर करने की कोशिश करी है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको देना है। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज एक तो प्रपोजल फॉर्म में आपसे इन्फॉर्मेशन फिल कराती है, दूसरा इंश्योरेंस कंपनीज आपसे टेली अंडरराइटिंग भी करती है, आपसे फोन पे भी सारी इन्फॉर्मेशन पूछती है जो प्रपोजल फॉर्म में फिल्ड है, कि बाई चांस अगर कोई रह गया या कोई लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई, कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, तो हम आपसे कॉल पे सिंपल लैंग्वेज में पूछ लेंगे, जिससे कि वो पॉलिसी डिसीजन पे इम्पैक्ट आएगा। दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्यों नॉन डिस्क्लोजर होते हैं, इंटेंट टू क्विकली फिल फॉर्म्स। हमें होता है बस अब पॉलिसी चूज कर ली, अब फॉर्म भर के खत्म करो, प्लीज खत्म मत करो, उसको प्रॉपरली भरो, जल्दबाजी कोई नहीं है, जहां इतना टाइम ले लिया वहां थोड़ा सा टाइम और सही, बिकॉज ये बहुत जरूरी है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, ये आप टीवी फ्रिज गैस खरीदने नहीं जा रहे कि वो आप चेंज कर लोगे हर दो तीन साल बाद, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रख रहे हो इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना जरूरी है। क्विकली फॉर्म ना भरे किसी के कहने पे भी और अपने कहने पे भी, कोई अगर फोर्सफुली आपको बोल रहा है कि नहीं खत्म करो हो गया, इंश्योरेंस एजेंट ने बोला, कोई इंटरमीडियरी ने बोला कि मूव ऑन करते हैं सब करेक्ट तो है कुछ नहीं होता अपने आप ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ऐसी गलती ना करें। अल्टीमेटली इट विल बी बिटवीन यू एंड इंश्योरेंस कंपनी, आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कल को अगर कोई प्रॉब्लम आई, क्लेम्स नहीं मिले, तो प्रॉब्लम किसको होगी, आपको होगी, तो ऐसी गलती ना करें, क्विकली फॉर्म्स फिल करने की जल्दबाजी ना करें। तीसरा, बहुत सारे लोग इंटेंशनल फ्रॉड करने की भी कोशिश करते हैं, कोई मेडिकल हिस्ट्री है, पता है पॉलिसी नहीं मिल रही, पता है इससे मेरा प्रीमियम बढ़ जाएगा, वेटिंग पीरियड लग जाएगा, तो मैं छुपा लेता हूं, मैं बताता नहीं हूं इंश्योरेंस कंपनी को, उनको कैसे पता लगेगा, उनको तो पता लगेगा नहीं मैं ज्यादा स्मार्ट हूं इंश्योरेंस कंपनी से, दे आर रनिंग अ बिजनेस, दे हैव टीम ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, ऐसा नहीं है कि आपकी चोरी हर बार पकड़ी नहीं जाएगी, हो सकता है कभी नहीं भी पकड़ी गई हो, बट इसका कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में नहीं पकड़ी जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी भी पूरा असेस करके एग्जामिन करके ही आपको क्लेम देगी, ऐसे क्लेम नहीं देगी, तो ऐसी गलती ना करें, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ये स्टेप ना उठाएं, जो भी इंफॉर्मेशन है बता के चलें, पॉलिसी नहीं मिल सकती तो नहीं लें, देर आर अदर वेज, मैंने अपनी वीडियोज भी बनाई हुई कि आप हेल्थ फंड बनाएं, अगर आपको पॉलिसी नहीं मिल सकती है बिकॉज ऑफ योर मेडिकल कंडीशन तो आप हेल्थ फंड बनाएं, अगर पॉलिसी मिल सकती है कुछ वेटिंग पीरियड बढ़ के तो बता के चलें, अगर पॉलिसी मिल सकती है कुछ प्रीमियम इंक्रीज होके लोडिंग लग के तब भी बता के चलें, एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड तो मिलेगा, जिस पर्पस के लिए आप पॉलिसी ले रहे हैं वो तो आपका पर्पस पूरा होगा। थर्ड रीजन है ना डिस्क्लोज करने का कंफ्यूजन, कई बार आपको लगता है कि ये रेलेवेंट नहीं है, शायद जरूरी नहीं है इंश्योरेंस कंपनी को बताना, कई बार आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहा जब आपने पॉलिसी का फॉर्म फिल करा उस टाइम पे आपको ध्यान नहीं था, बाद में ध्यान आया, ऐसी चीजों में अगर बाद में आपको रियलाइज हो गया है कि यह गलती हो चुकी है या ये चीजें बतानी जरूरी थी या कहीं पे भी मन में इतना सा भी डाउट है जिसकी वजह से रात को नींद नहीं आ रही, शायद कल को कोई क्लेम आया तो मेरी फैमिली क्या करेगी, अगर मैं बीमार पड़ गया तो उनको क्लेम नहीं मिला तो कहां से पैसे का अरेंजमेंट करेंगे, अगर ऐसा आपका मानना है और ऐसी सोच ऐसे थॉट्स आते हैं तो इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी को बताएं कि मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं बताना भूल गया और मैं अब ये डिस्क्लोज करना चाहता हूं, तो जो भी इंपैक्ट होगा पॉलिसी पे वो रहेगा, बट हमेशा कुछ भी आपको बाद में याद आता है या कुछ भी कंफ्यूजन है तो इट्स गुड टू आस्क, यू कैन आस्क द इंश्योरेंस कंपनी कि ये मटेरियल फैक्ट है कि नहीं है, यू कैन आस्क एन एक्सपीरियंस्ड एजेंट जो ऑलरेडी इतने टाइम से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, जिनको नॉलेज है इस चीज की, आप पूछ सकते हैं कि ये मटेरियल फैक्ट है कि नहीं है, तो छुपाने की कोशिश ना करें, कंफ्यूजन है तो पूछें, हमेशा पूछेंगे तो आंसर मिलेगा ही। फिफ्थ जो सबसे बड़ा रीजन है वो है मिस सेलिंग, इंटरमीडियरीज बहुत बारी आपको बोलेंगे कि ये बताना जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका एजेंडा क्लियर है कि पॉलिसी सेल करनी है, चाहे आपको क्लेम मिले या ना मिले उनको कोई मतलब नहीं है, उनको अपना टारगेट पूरा करना है, पॉलिसी सेल करनी है, ऐसी गलती ना करें, आपको इंस्टेंटली पता लग जाएगा कि दूसरा पर्सन आपको पॉलिसी सिर्फ सेल करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि फॉर्म में क्या भरा है क्या नहीं भरा, थरली फॉर्म चेक कर लेंगे तो ये गलती आपसे नहीं होगी, तो प्लीज़ अपने लिए अपनी फैमिली के लिए ये स्टेप उठाएं कि प्रपोजल फॉर्म खुद भरें या अगर किसी और ने भरा है तो वेरीफाई करने के बाद ही उसको सबमिट होने दें, तो इस जल्दबाजी में नहीं रहें कि मेरे को पॉलिसी मिल रही है जल्दी कोई करा रहा है, तो प्लीज़ देखिए जागो ग्राहक जागो, मैं यही कह सकती हूँ, आपको खुद जागना पड़ेगा, कोई और आपके लिए नहीं काम करेगा, तो यू हैव टू डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस, आपको खुद प्रपोजल फॉर्म देखना पड़ेगा, आपको खुद अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। सो एंड में कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगी, सबसे पहला कि अपना प्रपोजल फॉर्म थरली चेक करें, जब आप प्रपोजल फॉर्म भर रहे हैं एक बार दो बार तीन बार चेक करें, बिकॉज
जैसे कि कहते हैं इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, यहाँ पे शादी हो रही है, अफेयर नहीं हो रहा, शॉर्ट टर्म नहीं है कि जल्दी खत्म हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, आपको लंबे टाइम तक इसमें रहना है, तो कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। दूसरा, अगर आप पॉलिसी ले चुके हैं तो मेक श्योर आप रिविजिट करें कि आपकी पॉलिसी में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है कि नहीं है, जो आपने मेडिकल हिस्ट्री बताई थी वो मेंशन्ड है कि नहीं है। पॉलिसी लेने के बाद भी आपको इंश्योरेंस फ्री लुक पीरियड देते हैं, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली मेंशन नहीं है तो इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी को मेल करें एंड उनके रिकॉर्ड्स में नोट करवाएं, नहीं तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फ्री लुक पीरियड में कैंसिल कर सकते हैं। थर्ड, अपने जितने भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ अपने जो हरी पत्ती के साथ एसोसिएटेड हैं लोग उनको भी और आपको भी, कि जितने भी आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं प्लीज मेंटेन वन सिंगल फाइल। उससे क्या होगा कि फ्यूचर में कभी भी कोई डॉक्यूमेंट रेफर करने की जरूरत पड़ती है कि ये कब आपको डायग्नोज हुआ, पॉलिसी लेने के बाद डायग्नोज हुआ, फॉर एग्जांपल बीपी शुगर पॉलिसी के बाद डायग्नोज हुए, तो फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर आपके पास होना चाहिए, डायग्नोसिस टेस्ट आपके पास होना चाहिए। तो जो भी आप डॉक्टर के पास कभी भी जा रहे हैं तो एक फाइल होनी चाहिए, मेडिकल फाइल आपके पास मेंटेन रहनी चाहिए कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन ली वहां डाल दी, डिजिटल कंसल्टेशन ले रहे हैं, ई कंसल्टेशन ले रहे हैं तो उसमें प्रिस्क्रिप्शन डाल दी, जो टेस्ट कराए एक फाइल मेंटेन कर लें अपनी फैमिली की, फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। एंड आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, मैंने पीछे भी वीडियोस बनाई हुई हैं आभा कार्ड के बारे में, आभा कार्ड भी बहुत जल्दी आप देखेंगे मैंडेटरी हो जाएगा, जब भी डॉक्टर कंसल्टेशन ले रहे हैं तो आभा कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा, तो उस आभा कार्ड में सब सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी, कब डॉक्टर के पास गए, किस लिए गए, क्या टेस्ट हुआ, क्या डायग्नोसिस हुआ एंड सो ऑन, तो वहां से भी इंश्योरेंस कंपनीज इन्फॉर्मेशन फेच कर लेंगी। तो आपके लिए बेटर है कि फाइल मेंटेन करके रखें, सारी इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को बता के रखें, कहीं पे भी कोई गलती की गुंजाइश ना करें, बिकॉज ये हाईली क्रिटिकल मैटर है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। सो ये था मेरी तरफ से इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्क्लोजर इन योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है उसके बारे में भी हमने बात करी। वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, वो आपको थैंक करेंगे बाद में कि आपने उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और उनके हक में बताई। कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में रेज कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आंसर देने की। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर लीजिए, बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। और देने डिस्क्लोजर करेक्ट में ना के इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले से, ये मटेरियल फैक्ट है, जैसे हमने बात करी इट इज अटमोस्ट डिस्क्लोजर होते हैं, पूछेंगे तो आंसर मिलेगा ही।